दोस्तों, कृष्णा यश में आपका स्वागत है। और आज हम लोग वैदिक सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। एक बात ध्यान में रखना है कि इससे पूरी क्लास का उद्देश्य है कि जो इंडियन सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, आप उसको तो समझें ही, प्लस साथ ही साथ जो यूपीएससी 2022 का जो पीटी एग्ज़ाम है उसके अधिकांश प्रश्नों का आप हल कर सकें। और कंटिन्यूटी एंड चेंजिंग के परिप्रेक्ष्य में आपके पास एक समझ विकसित हो, क्योंकि इतिहास से जब आप पढ़ते हैं तो इतिहास का अध्ययन कंटिन्यूटी एंड चेंजिंग के परिप्रेक्ष्य में हम करते हैं। तो यहाँ आप न केवल फैक्ट्स को जानें बल्कि व्यवस्था को समझने का प्रयास करें। व्यवस्था की समझ जैसे ही आएगी वैसे ही आप प्रश्नों का हल कर लेते हैं। और ख़ास करके यूपीएससी का जो प्रश्न होता है, वह प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रश्न कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट को ठीक ढंग से समझ गए तो फिर प्रश्नों को हल करने में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होती है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि कई छात्रों का ये अप्रोच है कि चूंकि प्राचीन भारत से कम सवाल आते हैं, मध्यकालीन भारत से कम सवाल आते हैं, तो आधुनिक भारत से वो पढ़ाई शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही गलत ट्रेंड है। यूपीएससी के क्वेश्चन को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि 2-3 क्वेश्चन कभी प्राचीन से भी डाल देता है, कभी मध्यकाल से भी डाल देता है। आप इग्नोर करके यूपीएससी परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। एक बार तो आपको संपूर्ण पढ़ना ही पड़ेगा। बिना संपूर्ण एक बार पढ़े आप यूपीएससी की परीक्षा नहीं पास कर पाते हैं। कई छात्र ऐसे हैं जो 3-4 साल 5 साल तैयारी करते हैं और उसके बाद वो आज के डेट में पीटी भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और हिंदी माध्यम में तो आमतौर पर देखने को मिल रहा कि आप कोचिंग भी कर रहे हैं और कोचिंग करने के बावजूद आप किसी भी सेक्शन में कंफर्टेबल नहीं हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि कम से कम पढ़ते वक्त आप समग्र अप्रोच को लेकर, समग्रता में होलिस्टिकली आप पढ़ने का प्रयास करें, तब जा करके आपको व्यवस्था समझ में आएगी, आप प्रश्न का हल भी कर पाएंगे। अदरवाइज आप कोई सेक्शन पढ़ेंगे, कोई सेक्शन छोड़ेंगे तो फिर अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि अधिकांश स्टूडेंट को हम लोग देखते हैं कि हर बार स्टूडेंट कहता है 1 नंबर से मेरा नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ। इसलिए 1 नंबर भी महत्वपूर्ण है, 2 नंबर भी महत्वपूर्ण है। और चूंकि हमारे सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर दिया हुआ है तो भारत की संस्कृति को समझने के लिए जब तक आप कंटिन्यूटी में चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम लोग वैदिक सामाजिक व्यवस्था को देखने का प्रयास करें। और जब मैं वैदिक सामाजिक व्यवस्था की बात करता हूं तो वैदिक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत 2 इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा। एक तो ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, और दूसरा उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, राइट? ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था को अगर आप समझने का प्रयास करें तो इसके पूर्व के जो क्लास है उसमें हमने चर्चा किया था कि जो वैदिक आर्य हैं वे मध्य एशिया से ईरान होते हुए, ईरान से अफगानिस्तान होते हुए भारत आते हैं। तो वैदिक के जो आर्य, खास करके ऋग्वैदिक काल के आर्यन हैं, उनकी संस्कृति के बारे में जो सूचना मिलती है उस सूचना में ये सीधे तौर पर हमें मिलती है कि ये जो आर्य हैं जो मध्य एशिया से आ रहे हैं और ईरान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं, तो ये
एक बृंद समाज के रूप में भारत में प्रवेश करते हैं, एक बैंड सोसाइटी के रूप में भारत में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये घुमंतु पशुपालक जीवन व्यतीत करते हैं। तो अब कॉन्सेप्ट सीधा हो गया है कि आर्यों ने कई चरणों में भारत में प्रवेशन किया था, माइग्रेशन किया था। और बैंड जो होती है, अगर सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन आप करेंगे तो मानव इतिहास में जो समाज का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, सोशल रिलेशनशिप का डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो सबसे पहले बृंद समाज या बैंड सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, जहां पर 100-150 लोगों का ग्रुप हो रहा। और ये ग्रुप जो है किसी क्षेत्र से इनका संबंध नहीं है, बल्कि ये घुमंतु जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कबीलाई सामाजिक व्यवस्था था आर्यों का। जब आर्य भारत में आते हैं तो इनका सामाजिक व्यवस्था क्या था? कबीलाई सामाजिक व्यवस्था, ध्यान ही रखना है। और देखो, कबीलाई सामाजिक व्यवस्था या बैंड सोसाइटी जो होती है, उस बैंड सोसाइटी की विशेषता क्या होती है कि बैंड सोसाइटी जो है इगलिटेरियन सोसाइटी होती है, समतामूलक समाज होता है। पहला चीज ध्यान में रखना है कि इगलिटेरियन सोसाइटी के रूप में वो भारत में प्रवेश करते हैं, लेकिन सुवैदिक आर्य हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनकी संस्कृति के अंतर्गत हमने बातें की थी कि वैदिक आर्यों की जो संस्कृति है, वैदिक आर्यों की जो समाज है, उसका जो जीवन है वो घुमंतु पशुपालक जीवन व्यतीत करते हैं। घुमंतु पशुपालक जीवन व्यतीत करते हैं तो उसमें उनके जीवन में घोड़ा, रथ, आड़ी वाला पहिया और युद्ध प्रियता उनके जीवन का एक पार्ट था। और यज्ञवली, सोमपान उनके जीवन के, उनकी संस्कृति का एक पार्ट था। तो हालांकि ऋग्वैदिक आर्य भारत में प्रवेश करते हैं, उस समय उनका समाज समता मूलक था, लेकिन समाज के अलग अलग लोगों द्वारा कुछ खास काम करने के कारण उनके समाज में तीन प्रमुख वर्ग का डेवलपमेंट हुआ, जिसे हम राजन, पुरोहित और विश के रूप में जानते हैं। ये आर्यों के समाज की मैं बात कर रहा हूं। यानी रखना है कि पहला, जब किसी सोसाइटी का सोशल फॉर्मेशन समझने का प्रयास करते हैं कि सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो पहला जब हम करें कि वो भारत में प्रवेशन किए, भारत में माइग्रेट हुए, मध्य एशिया से आए, ईरान से आए, पहले भी मैंने चर्चा किया है, तो क्या उनका समाज पूरी तरह से इगलिटेरियन था, या उनके समाज में कुछ कार्यात्मक विशेषीकरण होने के कारण, कुछ काम कुछ विशेष लोगों द्वारा करने के कारण कोई डिवीजन हुआ? तो उनका जो खुद का जो समाज था वो समतामूलक था, लेकिन उनमें पदभेद डेवलपमेंट होता है, पदभेद, और इस पदभेद के कारण उनके समाज में तीन वर्ग डेवलप होता है। राजन, जिसे पुरुष सूक्त में क्षत्रिय के रूप में जिसमें वर्णन किया गया है, और पुरोहित, जिसे ब्राह्मण के रूप में, और विश्व का मतलब है सामान्य जन, जिससे बाद के दिनों में वैश्य का डेवलपमेंट होता है। ये खुद आर्यों के समाज की बात मैं कर रहा हूं कि उनके समाज में ये चीज था। लेकिन आर्य जब भारत में आते हैं तो भारत के गैर आर्य लोगों से संपर्क होता है। अगर वो भारत में प्रवेश करते हैं तो
उनके आने के पहले भारत में एक संस्कृति का विकास हो चुका था। हालांकि आप इंडस सिविलाइजेशन भी देखेंगे जो कि सांस्कृतिक रूप से भौतिक रूप में इंडस सिविलाइजेशन उनसे विकसित था। इंडस सिविलाइजेशन के अलावे भी भारत में कई जनजातीय संस्कृतियां विद्यमान थी। तो आर्यों का इन गैर आर्यों के साथ संपर्क होता है और जो ऋग्वेद है उसमें दशरथ युद्ध की भी चर्चा मैंने पहले की थी, तो उसमें आर्य आम तौर पर ऋग्वेद में दिखाया जाता है कि आर्यों ने भारत के जो लोग हैं, भारत के जो मूल निवासी हैं, जिसकी चर्चा गैर आर्य के रूप में भारत में ऋग्वेद में किया गया है, उनके बीच और आर्यों के बीच कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होती है। और गैर आर्य के अंतर्गत जो ऋग्वेद में बार बार नाम सामाजिक समूह के रूप में मिलता है, ये है दास, दस्यु एवं पणि, राइट। ये पणि जो है पशुओं की चोरी करते हैं, इनका मेन काम था पशुओं की चोरी करना, और इसलिए ऋग्वेद में पणि के साथ बड़ी घृणा की गई है। और दस्यु के साथ भी वो घृणा करते हैं क्योंकि वो दस्यु को बड़ा डेंजर मानते हैं। दास का उल्लेख है, राइट। और ये जो सामाजिक समूह है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है, इसके बारे में कुछ चर्चा भी है। हालांकि इतिहासकारों ने ये इंटरप्रेट किया है कि दास आर्यों के ही पहले के आए हुए समूह थे, जिसमें बाद में आए हुए लोगों ने उसे पराजित किया और उसे दास बना लिया। लेकिन एक सामाजिक समूह के रूप में जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऋग्वेद में इनकी कुछ भौतिक विशेषता और कुछ सांस्कृतिक विशेषता का भी चर्चा है, राइट। कोई फिजिकल इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की चर्चा ऋग्वेद में है, जिसमें गैर आर्यों को कहा गया है कि ये अश्वेत वर्ण के हैं। पहला, अश्वेत वर्ण के हैं, ये काले रंग के लोग हैं। और आर्यों का उल्लेख जो है श्वेत वर्ण के लोग के रूप में किया गया है, गोरे लोग के रूप में किया गया है। तो एक डिवीजन यहां ए भी हो रहा उनके समाज में, तीन डिवीजन हो रहा, और आर्य और गैर आर्य के रूप में डिवीजन हो रहा, तो कलर के आधार पर इनको श्वेत वर्ण कहा गया है, इनको अनासा भी कहा गया है, यानी जिसकी नाक चपटी है, और इसको मृगवाक कहा गया है, जो मधुर बोली नहीं बोलते हैं। एक फिजिकल इनकी कैरेक्टरिस्टिक, इनकी जो आचरण है, वह आचरण आर्यों से भिन्न दिखाने का प्रयास ऋग्वेद में किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इनकी कुछ संस्कृति के बारे में भी ऋग्वेद से कुछ साक्ष्य मिलता है, जिसमें ऋग्वेद में इनको अयजयन कहा गया है, जिसका अर्थ होता है जग नहीं करने वाला, और इनको कहा गया है कि ये लिंग पूजक हैं, लिंग की उपासना करते हैं, ये जग में विश्वास नहीं करते हैं। इस रूप में गैर आर्यों की चर्चा की गई है। तो इस तरह से समाज में दो अस्पष्ट वर्गीकरण, एक तो आर्य और दूसरा गैर आर्य, और आर्यों के समाज में तीन वर्गीकरण, एक राजन, दूसरा पुरोहित, तीसरा विश। एक चीज ध्यान रखना है कि आर्यों के समाज का जो ऋग्वैदिक आर्यों का जो सामाजिक व्यवस्था है, उसके समाज के जो अर्ली चरण को आप देखेंगे तो वहां राजन के पास ज्यादा शक्ति है पुरोहित से, और इसलिए समाज का सेंटर राजन है, क्योंकि इनके जीवन में युद्ध की बड़ी भूमिका थी और युद्ध में वो राजन लीड करता था। इसलिए जो हायरार्की वाद में डेवलप होती है,
पहले ऐसा लगता है जब ऋग्वेद को आप पढ़ेंगे कि इनके समाज में क्षत्रिय की जो स्थिति है वो सर्वोच्च है, क्योंकि इनकी पूरी जो आर्थिक सामाजिक जीवन है उस आर्थिक सामाजिक जीवन में युद्ध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जब युद्ध होती है तो युद्ध में लूटे गए माल का जब वितरण होता है विदर्भ में, तो उसका सबसे बेहतर हिस्सा जो है राजन यानी क्षत्रिय को जाता है, इसलिए भी इसकी स्थिति और बेहतर थी। लेकिन बाद में सब डेवलपमेंट होता है तो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के उत्पत्ति का सिद्धांत है। राइट, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के अंतर्गत जो ब्राह्मण है उसकी उत्पत्ति मोक्ष क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैर से, इसका उल्लेख किया गया है। राइट, यानी आदि पुरुष जो है उसके मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति होती है, इसकी चर्चा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है। तो दरअसल जो सामाजिक डेवलपमेंट हो रहा था, इस तरह की सामाजिक व्यवस्था का डेवलपमेंट हो रहा था, उसको एक सैद्धांतिक आधार दिया गया और उस सैद्धांतिक आधार से ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो समाज था वो वर्ण आधारित था। वर्ण का प्रारंभ में जो अर्थ है वो है रंग, यानी प्रारंभिक डिवीजन गैर आर्च और आर्च के बीच रंग के आधार पर था, त्वचा के रंग के आधार पर था। बाद में उसको सैद्धांतिक आधार दिया गया और उस सैद्धांतिक आधार के अंतर्गत चार वर्णों की परिकल्पना की गई। लेकिन यहां वर्ण जो है कर्म आधारित है। राइट, वर्ण कर्म आधारित है, यानी जो व्यक्ति जो कर्म करता है उसी के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता है। राइट, और इसलिए ऋग्वेद में वर्ण जन्म के आधार पर नहीं है। और इसलिए ऋग्वेद के एक मंत्र में ये भी उल्लेख है कि एक परिवार है और उस परिवार के अलग अलग लोग जो है अलग अलग कार्यों को करते हुए अलग अलग वर्ण के, यानी यहां वर्ण व्यवस्था की जो अवधारणा है वह अभी आरंभिक चरण में है। राइट, ऋग्वैदिक काल में जो समाज है उसमें चार सोशल ग्रुप तो डेवलप हो जा रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। राइट, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि जो राजन ने जो है रियल सेंस में सबसे सर्वोच्च स्थिति इसकी थी, पुरुष सूक्त में सैद्धांतिक रूप में ब्राह्मण की स्थिति को सर्वोच्च किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में ये रखना है कि अभी वर्ण में परिवर्तन भी संभव है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है कि ऋग्वैदिक आर्यों के अंतर्गत जो सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कुछ शब्दों का इस्तेमाल ऋग्वेद में है, जिसमें जन, जन से मतलब है कबीला, और फिर कुलपा, कुल, कुल से मतलब है परिवार, और परिवार जब देखते हैं तो पितृसत्तात्मक है। राइट, पितृसत्तात्मक परिवार, और फिर परिवार जब देखते हैं तो यहां संयुक्त परिवार भी है, ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है। लेकिन चूंकि ऋग्वेद के समय जो आर्यों का समाज था
वह बैंड सोसाइटी था या जनजातीय समाज था। तो इस समय जो एक तो दिखाई देता है ऋग्वेद में कि पुरुष की स्थिति स्त्रियों से बेहतर है, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य जो हैं पुत्र की प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं, वीर पुत्रों की कामना करते हैं और इसके लिए ईश्वर की आराधना करते हैं, ऐसा सूचना ऋग्वेद में है। लेकिन ऋग्वैदिक जो समाज है इसमें स्त्रियों की स्थिति भी बेहतर थी। स्त्रियों की स्थिति भी बेहतर थी। कैसे बेहतर थी स्त्रियों की स्थिति? तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, एक बार क्वेश्चन भी आया था, स्त्रियां युद्ध में भी भाग लेती थी। जो ऋग्वैदिक आर्यों के राजनीतिक जो संगठन थे, सभा समिति विदत गण, इसमें स्त्रियां भाग लेती थी। यानी स्त्रियां जो है राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया जो था उस राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में भी स्त्रियां भाग लेती थी। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आठवीं जो मंडल है उसकी रचना स्त्रियों ने की है। घोषा, अपाला, विश्वरा, भरुचि, इन स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। यानी स्त्रियां ज्ञान भी प्राप्त करती थी, विदुषी भी होती थी और स्त्रियों की स्थिति ऐसी थी कि वो मंत्रों की रचना भी कर सकती थी। चौथा, ऋग्वेद में पति पत्नी के लिए दंपति शब्द का प्रयोग किया गया है। दंपति, आज भी हम लोग दंपति का प्रयोग करते हैं। दम का मतलब होता है घर और पति का मतलब होता है मालिक। यानी स्त्रियां, स्त्री और पुरुष दोनों मिलके घर के मालिक हुआ करते थे। ऋग्वेद में स्त्रियों का जो विवाह है वो सामान्यतः वेशक होने पर किया जाता था। ऋग्वेद में प्रेम विवाह करने की आजादी थी। ऋग्वेद के अंतर्गत हम ये पाते हैं कि स्त्रियां यज्ञ में अपने पति के साथ भी भाग लेती थी, सार्वजनिक जीवन में भी उनकी भागीदारी थी। ऋग्वेद में नियोग प्रथा का कॉन्सेप्ट है कि अगर जो स्त्री अपने पति से अगर उसे पुत्र नहीं प्राप्त हो तो वह अपने देवर या अन्य जो उस तरह के रिलेटिव्स हैं उसके साथ सहवास करके पुत्र उत्पन्न कर सकती है। ऋग्वेद में विधवा विवाह के प्रचलन का प्रमाण है। तो इस रूप में अगर आप देखते हैं तो स्त्रियां जीवन के विविध क्षेत्रों में क्रियाशील थी और उनकी भूमिका थी। हालांकि अगर आप तुलना करेंगे पुरुषों के परिप्रेक्ष्य में तो चूंकि पितृसत्तात्मक समाज था और इसलिए स्त्रियों की जो भूमिका है, स्त्रियों का जो स्थान है वो सामान्यतः पुरुषों से नीचे माना गया है। क्योंकि ऋग्वेद में यज्ञ के पुरोहित कर्ता के रूप में स्त्रियों का उल्लेख नहीं है। ध्यान ये रखना है कि यज्ञ के संपादन के लिए पुरोहित के रूप में स्त्री द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं मिलता है। लेकिन आम तौर पर ऋग्वेद में जो है स्त्रियों की स्थिति बेहतर मिलती है। एक चीज और ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में विवाह जो है एक संस्था के रूप में स्थापित हो गई थी, राइट? और ज्यादातर सामान्य जो विवाह की परंपरा थी वो एकल विवाह का प्रमाण यहां मिलता है। लेकिन ऋग्वेद में बहुपत्नी और बहुपति विवाह के भी संकेत मिलते हैं। विवाह संस्था स्थापित हो चुकी थी और इस संस्था के स्थापित होने के साथ ही साथ ऋग्वेद में कजन मैरिज का उल्लेख भी मिलता है। ध्यान रखना, कजन मैरिज एक तरह से प्रचलित थी वहां पर। तो जो समाज का जो विकास है उस समाज के विकास के अंतर्गत आप देखेंगे कि समाज हालांकि चार वर्गों में बढ़ती है, चार वर्णों में बढ़ती है,
लेकिन ये कर्म आधारित है, इसलिए समाज में बहुत स्पष्ट डिवीजन नहीं है। वर्ण का संबंध अभी धर्म से नहीं है, इसलिए वर्ण में कठोरता भी नहीं है। और चूंकि समाज पितृसत्तात्मक समाज है, तो हालांकि पुरुष की प्रधानता है, लेकिन फिर भी स्त्रियों को भी ऋग्वैदिक आर्यों के समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक आर्यों के समाज में कुछ परिवर्तन होता है। ध्यान ये रखना है कि बाकी चीज़ें तो साथ में ही आएगी, लेकिन परिवर्तन कुछ होता है। और परिवर्तन में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन होता है कि वर्ण धर्म का कॉन्सेप्ट। हालांकि अभी भी उत्तर वैदिक काल के जो आरंभिक चरण है, उसमें अभी भी वर्ण जन्म आधारित नहीं है, कर्म आधारित ही सैद्धांतिक रूप में है, लेकिन वर्ण धर्म का कॉन्सेप्ट है। यानी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यों का प्रतिपादन किया गया ऋग्वेद में, पुरुष सूक्त में, कि ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन करता है, यज्ञ करता है और यज्ञ कराता है, दान देता है और दान लेता है, ये ब्राह्मण का कार्य है। क्षत्रिय का कार्य जो है रक्षा करना, युद्ध करना, शासन करना, वैश्य का कार्य उत्पादन करना, और शूद्र का कार्य जो है ऊपर के तीनों वर्णों का सेवा करना। अब इसको धर्म के रूप में स्थापित किया जा रहा है कि ये इन वर्ण के लोगों का धर्म है, यही काम उनको करना है। हालांकि अभी वर्ण परिवर्तन संभव है, यानी वर्ण में उतनी कठोरता नहीं आई है, वर्ण परिवर्तन संभव है। जैसे आप देखो कि विश्वामित्र जो है क्षत्रिय थे और ब्राह्मण ब्रह्मर्षि कहलाए, यानी विश्वामित्र ने क्षत्रिय होने के बाद अपना वर्ण परिवर्तन किया, विदुर को शूद्र माना, शूद्र के रूप में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्हें ब्राह्मण के रूप में उनको दिखाया गया है। ये कह रहा कि वर्ण में परिवर्तन संभव है। लेकिन उत्तर वैदिक काल के जो लास्ट जो फेज है, उस फेज में वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित करने का प्रयास किया जाता है, और एक तरह से जन्म आधारित वो हो जाता है। एक दो चीज और ध्यान में रखना है कि जब वर्ण की बात करते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में जो धर्म के अंतर्गत थे, हमने एक सामाजिक विधान के रूप में धर्म को देखने का प्रयास किया, तो यहां पर शुरुआत में मैंने बताया कि क्षत्रिय का जो स्थान समाज में है वो सर्वोच्च है, क्योंकि क्षत्रिय जो एक वैदिक आर्यों की जो जीवन पद्धति थी, उसमें क्षत्रिय की भूमिका बड़ा ही केंद्रीय थी, राइट। इसलिए क्षत्रिय यहां पर केंद्र में था। और उत्तर वैदिक काल में जग के माध्यम से और कर्मकांड के माध्यम से ब्राह्मणों ने अपनी स्थिति को ऊपर करने का काम किया, इसलिए ब्राह्मण यहां सर्वोच्च हो गया। ये बात ध्यान में रखना है कि ब्राह्मण सर्वोच्च हो गया, फिर उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, राइट। शूद्र का स्थान सबसे निम्न है। एक समय ब्राह्मणों ने अपनी सर्वोच्चता को स्थापित कर लिया, लेकिन उत्तर वैदिक काल का जो ग्रंथ है उसमें ब्रह्म छत्र संघर्ष का भी कॉन्सेप्ट मिलता है। ब्रह्म छत्र संघर्ष, यानी क्षत्रिय ने ब्राह्मणों के सर्वोच्चता के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी की, और उपनिषद का जो विकास है उसके बारे में कॉन्सेप्ट ये है, जिसमें जग के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, उसमें क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को चुनौती दी, और इस कारण से एक ब्रह्म छत्र संघर्ष भी दिखाई देता है। बहुत आसानी पूर्वक क्षत्रिय ने इनकी सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया। एक तो पहलू ये ध्यान में रखना है, लेकिन दूसरा ध्यान में ये रखना है कि उत्तर वैदिक काल में कई ऐसे उपनिषदिक जो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें ये भी चर्चा मिलता है
कि जब वैश्य या शूद्र जो है ऊपर के वर्णों का विरोध करें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय को एक साथ मिल जाना चाहिए, राइट। तो उसमें एक साथ इनके मिलने की भी परिकल्पना दिखाई देती है। इसके अलावा उत्तर वैदिक के काल में जो आड़ एवं गैर आड़ दोनों के बीच जो एसाइमिलेशन है, यानी कि गैर आर्य जो समाज के लोग हैं, जो भारत के ट्राइबल हैं, भारत के मूल निवासी हैं, उन गैर आर्यों को उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में उनका आत्मसातीकरण किया जाता है, एसाइमिलेट किया जाता है, और इस कारण से कुछ गैर आर्य परंपराओं को भी उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में स्थान दिया जाता है, राइट। बाकी इंपॉर्टेंट चीज कंटिन्यूटी में है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक और परिवर्तन क्या होता है कि स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, राइट। क्योंकि पहले से स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है, और ये गिरावट आने का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कई क्षेत्रों में है। एक तो मैत्रायणी संहिता में स्त्री की चर्चा सूरा यानी शराब और धृत यानी जुआ के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में किया गया है, यानी कि एक तो शराब यानी सूरा बुराई है, दूसरा धूत यानी जुआ बुराई है, और तीसरी बुराई स्त्री है। इस तरह से स्त्री की चर्चा है। अर्थव वेद में पुत्री को दुख का कारण बताया गया है, तो यहां भी स्त्रियों की स्थिति में गिरावट दिखाई दे रही है। और तीसरा कि सभा समिति में स्त्रियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उन राजनीतिक संस्थाओं में से स्त्रियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया। इसका मतलब कि वहां स्त्री जो पहले स्त्री को अधिकार यहां पर था वो स्त्री को अब वहां अधिकार नहीं है। लेकिन अभी भी स्त्रियों का विवाह जो है आपको वयस्क होने पर होता था, अभी भी नियोग की अनुमति है, अभी भी विधवा विवाह की अनुमति है, अभी भी एकल विवाह हो या बहुपत्नी विवाह हो या बहुपति विवाह हो, इस तरह के विवाह के फॉर्मेट अभी भी चल रहे हैं। और विवाह के संदर्भ में जो दहेज है या वधू मूल है, ये दोनों कॉन्सेप्ट की निरंतरता जो है उत्तर वैदिक काल में भी होती है। अभी भी स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और कुछ स्त्रियां अविवाहित भी रख सकती थी। शिक्षित स्त्रियों की चर्चा उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ में भी है, जैसे गार्गी वचकनवी मैत्री जैसी विदुषी स्त्रियों की भी चर्चा है। लेकिन अगर आप तुलना करें ऋग्वैदिक काल से तो यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है, और इस तरह से जो व्यवस्था डेवलप होती है यहाँ आकर के जब उत्तर वैदिक काल का जो लेट फेज है वहाँ हम इस बात को स्थापित पाते हैं कि वर्ण व्यवस्था अंतिम चरण में जन्म आधारित हो गई, और वर्ण के साथ धर्म का समावेश, वर्ण के साथ आश्रम व्यवस्था का समावेश, वर्ण के साथ पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट, कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा और ऋण की अवधारणा, ये सब उसके साथ जुड़ जाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि शूद्रों की जो स्थिति है वो पहले की अपेक्षा ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि शूद्रों को एक तरह से शिक्षा से वंचित किया जाता है और इनको ऊपरी वर्ण के लोगों की सेवा के लिए ही रखा जाता है। बाद के दिनों में इनकी स्थिति और खराब होगी, और इस तरह से आप वैदिक सामाजिक व्यवस्था को समझ सकते हैं।